नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। आज किसान कानूनों के ऊपर जो आंदोलन किसान भाई कर रहे हैं उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। किसानों की आय बढ़ाने की नियत से केंद्र सरकार, जैसा कि कहती है, उसने 3 किसान बिल पास किए और कानून का रूप दिया, लेकिन सारे देश के किसान इन कानूनों को रद्द कर पूरी तरह से वापस लेने के लिए दिल्ली के चारों तरफ धरने पे बैठे हैं। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उसका आज 10वां दिन है। आज 5वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में 2 बजे से शुरू होगी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य मंत्री उपस्थित होंगे। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाला है और आज उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से इस मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री खुद बहुत ज्यादा चिंतित हैं किसानों के इस आंदोलन को लेकर, लेकिन एक नागरिक और पत्रकार होने के नाते मेरा मानना है कि ये 3 महत्वपूर्ण जो कानून बनाए गए हैं कृषि को लेकर, उसको बनाने से पहले ही सरकार को किसान भाइयों को विश्वास में लेना चाहिए। सरकार ने आनन फानन में अपनी ताकत लोकसभा और राज्यसभा में होने के चलते इन बिलों को भी उसी तरह से पास करा लिए गए जिस तरीके से 3 तलाक, धारा 370 और CAA जैसे अन्य कानून करा ले गए थे। इन कानूनों से देश की आम जनता के ऊपर सीधे तौर पर उतना प्रभाव नहीं पड़ना था जितना हमारे अन्नदाताओं को लेकर जो कृषि कानून बनाए गए हैं। सरकार यहीं पर गच्चा खा गई, क्योंकि देश का अन्नदाता एक तरफ तो अनाज उगाता है, दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार के नौजवान, युवक, पुलिस और सेना में देश की सेवा करते हैं। अब जिस तरीके से किसानों ने अड़ियल रुख अख्तियार किया है और वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि 3 कानून रद्द कर पूरी तरह से वापस लेने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, ऐसे हालातों में सरकार को हठधर्मिता से बाज आना चाहिए और अन्नदाताओं की बातों को मानकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसान भाइयों की फसल भी दुगनी तिगनी हो और उनके खेती के जो संसाधन है वे भी उन्नत हों और उनको फसल का उत्तम और वाजिब मूल्य मिल सके। सरकार ने जिस तरीके से कानून बनाए हैं उसमें ऐसा लगता है, किसान भाइयों का भी यही कहना है, कि बड़े कारपोरेट घराने और उद्योगपतियों के पक्ष में ये कानून है, क्योंकि इन कानूनों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा और APMC की स्कीम जो है वो भी प्रभावित होगी, मंडियां भी प्रभावित होंगी। पूरी तरह से कारपोरेट के शिकंजे में किसान आ जाएंगे। लघु और मध्यम किसान तो पूरी तरह से कारपोरेट के मधुआ मजदूर बन जाएंगे, ऐसा किसान भाइयों का मानना है। किसानों की इन वाजिब समस्याओं को समझकर सरकार को समय रहते उचित निर्णय लेना चाहिए और इन किसान भाइयों की बात को मानते हुए इन कानूनों को जिस तरह से पास किया गया है उस तरीके से वापस भी लिया जा सकता है। इन चीजों को नाक का सवाल ना तो किसान भाई को बनाना चाहिए ना ही सरकार को। सरकार को किसान भाइयों से जिस तरीके से आज 5वें दौर की बैठक कर रही है उनके मंत्रीगण, उसी तरीके से
ये घोषणा करे कि कानून वापस लिए जा रहे हैं और उसके बाद लगातार किसान भाइयों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर इन सारे कानूनों को नए सिरे से समीक्षा कर ऐसा रास्ता बीच का निकालें जिसमें किसान भाइयों का भी भला हो और उद्योगपति और बड़े घरानों का भी किसी तरह का नुकसान ना हो। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से औद्योगिक घरानों का एकाधिकार कृषि जैसी चीजों पर ना हो, नहीं तो देश में अफरा तफरी का माहौल होगा और हमारे अन्नदाता खुद जो दूसरों के लिए अन्न उत्पादन करते हैं रोटियों को तरस जाएंगे। ये स्थिति ना तो सरकार के लिए अच्छी है और ना देश की आम जनता के लिए। हमारे देश का मीडिया भी पक्ष विपक्ष में बटा है, कोई पूरी तरह से किसानों के आंदोलन को सही बताते हुए सरकार की पूरी तरह से आलोचना करने में लगा है तो कोई मीडिया घराना पूरी तरह से सरकार के कदमों का पक्ष लेकर किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही और इस तरह की चीजों को भी प्रचारित और प्रसारित करने में लगा है। ये चीज ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और इस गंभीर स्थिति में देश हित में क्या हो ऐसे कार्यक्रम और ऐसे समाचार प्रकाशित प्रसारित करना चाहिए। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।